पत्ती तो पाई है मेरी। वो पाओ ना, खोल है ना वो पाओ। बड़ी मोबाइल है, दो चमचियां पा दिया और की नहीं है कोनी दे। वो जरा उबलेगी तो पता लगेगा ना उधर। हां अपन तो आई चमचियां पाती है के नाश्ते में आज वो गुंदा हुआ आटा पड़ा होता है ना उनका खराब ही ना हो जाए, पका दूंगी शादी अपने लिए बनाऊंगी पराठा। मेरे को पराठा गाज पा जाए वन फॉर वाइल्ड की खाने च की है और देसी की है। लोगों ने इस पे भी वो होना है देसी घी से वो अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है। हाँ ऑलिव ऑयल तो पराठे के लिए तो नहीं है, वो चोपड़ ढकते हैं आप ऑलिव ऑयल से चोपड़ मतलब उसको पकाना नहीं होता ना ऑलिव ऑयल को ज़्यादा। अच्छा तवा हमारा वही है जो पिछले साल भी रोना था कि रोटियां जल जाती हैं, अभी भी रोना है काटे रुकोगे क्योंकि तवा जैद ने मुझे लेके नहीं देना और मैंने खुद से लेके नहीं आना। क्या तवा पतला है इतना, कितना पतला तवा है मतलब पता, दूसरा लेना तो कल कल गए थे क्यों नहीं लिया, जब पकाते लेना चाहिए था। नहीं ये है कि हल्की आंच करके बना लें तो कुछ सही बनती है, जल्दी जल्दी नहीं बनती, आराम आराम से पकती है। तो इन्हें डरे ना कर पाए रोटी पकड़ देर लग जाए कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता पर चलो अद्धा घंटा लेट खा लो की होगा। मैं तो होता है सुबह उठते ही जैसे मेरा हम लोग वहां पे भी ऐसे नहीं खाते, कोई बच्चा भी नहीं खाता खाते ही नहीं। तो जैद सुबह उठते ही जैद को होता है कि अब मैं नाश्ता कर सबसे पहले नाश्ता वो नहीं ये चाहिए लाइक आधा घंटा भी नहीं गुजरता कि जैद ने नाश्ता करना, बहुत देर है अगर आधा घंटा है। मैं जब उठ गया सुबह के टाइम पे जब वो फजर वाले टाइम वो 6 है अभी यहां पे मैं जैद का साथ दे देती हूं, वहां तो बिल्कुल नहीं करती इसलिए कि वहां तो बिल्कुल भूख लगती नहीं सुबह सुबह ठंडा इलाका में। साथ मेरा बच्चे 34 साल ना, ओ मैं कल हिसाब ला 34 ईयर हो गया सो काट कर ला शादी नु। अच्छा मुझे 34 मैं बत्ती करदा रहंदा सी पहलो थी, तो इतना जल्दी ना टाइम निकल गया, टाइम नु रोको थोड़ा यार। आपके घर में कौन खटखट करे, उठ गए तो फिर दे दरवाजा मार दे, मुझे होता है साथ दूसरा भी उठ जाए ये मार वो मार, और कई दफा जैद सुनते भी बहुत है फिर इस बार फिर चुप करके उठ के चले जाते हैं। तो सुन तो मैं 34 साल तो रहा हुआ मेरा हौसला जरा मैं जो इतने बैठा हुआ तो हूँ तो मैं पता नहीं कितने अगले जान तो इन सड़िया कटिया तेन गल मूह टीवी बन रही है वीडियो तू इतने बात ले चलो जी तेन रखा कि डंडी लग रही है मिर्च खड़ी सिर्फ वीडियो में आपको लगता है कि मैं मोटी नजर आती जी, ये देखने वालों का भी ख्याल है। कल मैं सायरा के घर गई थी तो वहाँ वो लोग भी यही कह रहे थे जैसे आप वीडियो में बड़ी मतलब हैवी नजर आती है लेकिन आप वैसे है, और जो मेरा फेस है वो तो ऑलरेडी हमेशा से ही राउंड है, उसमें कोई नई बात नहीं, आप जरा जेलस कम हुआ करें सर। आप ये ना ये लेने ये वाला ले लें घी ले लें थोड़ा। अच्छा नमक भी डाल थोड़ा डब्बिया देते ना
लिखना पड़ा। मैं हमने तंग आ गया सारे डब्बे खोलो फिर आप आपको एहसास होता कि इसमें क्या होगा टारगेट फिर तो पहुंचो तुसी। चलो बस ठीक है जो थोड़ा सा बस बाकी अपने लिए डर आ लेना अच्छा होती देसी की मड़ा जिन्ना परवा आधी चमची तो कितनी नहीं जब नॉन स्टिकी है तो इसके ऊपर ऐसे ही तो अंडा नहीं बन सकता। हाँ ऐसे भी बन सकता पर जरा सा डालने आधी चम्मच भी नहीं डालने बिल्कुल बॉर्डर चले ताकि वो नीचे ना लगे ना ऐसे तो नहीं लगेगा इंशाल्लाह इसको हम की आंच पे बनाए और नॉन स्टिकी वो ले लेंगे। अब मैं दूसरा वो लूंगा छाई तो नहीं किसी भी गल क्या दूसरा वो नॉन स्टिकी उसमें रहा क्या एक वो तो फेंक रहे हैं नॉन स्टिकी वाला देखता उसने कुछ ना कुछ तो बेचारे ने घर बैठे कह रहे बोला ये नॉन स्टिकी वाला लोहे का मतलब मैं काका मुझे पता ही नहीं है इस बात का कि मैंने वो चम्मच क्यों लगा और उसकी स्टिकी तो खत्म हो चुकी है खत्म उसमें है ही कुछ नहीं अब हम उसको ऐसे नॉर्मल फैन यूज कर रहे हैं क्या। हाँ वो मुझे पता है उसका भी नई बात थोड़ी यकीन करें ये सोशल मीडिया तो निरंतर टेंशन है बंदे के लिए आपको किसने कहा बस मैं निकाल छोड़ दिया ना सिर्फ शुरू करके कौन सा भी चलो पैदल अब बड़ा होना हूँ एक ने कहना अंकल ये प्लास्टिक यूज ना करें ये सेहत के लिए बड़ी खराब है सब चीजें भी उनने उन्हें कहना ये प्लेट जो प्लास्टिक की ये भी गलत है प्लास्टिक की कहाँ से प्लास्टिक की नहीं की नहीं तो प्लास्टिक तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है अगर आप अच्छे वाला वो BFM क्या होता है जो भी होता है अगर वो यूज नहीं करते तो वाकई प्लास्टिक अच्छी नहीं है आपको शीशा और वो क्या कहते हैं मार्बल टाइप की यही चीज नहीं यूज करती प्लास्टिक तो किसी भी किस्म का अच्छा नहीं उस जो भी कहता है वो गलत नहीं कहता एक्चुअली बड़ी इन्फॉर्मेशन देती है यंगस्टर के लिए अच्छा नहीं है वो साढ़े जिस उम्र जैसे पाएंगे और अगर अच्छा नहीं है तो साढ़े की बिगाड़ लेगा अब क्या वो बिगाड़ लेगा हमारा इस उम्र में मुझे तो हर किसी को करनी चाहिए ना नहीं समझे अंडा जाया नहीं करना है ये तो बाहर आया नाश्ता कर लेने दे यार घर कोई आता इतनी सुबह इसमें तो आना जाना लोकी भी लगता है जो वो तंग आ गए इसमें तो आना जाना बहुत काम है नोट नहीं किए किसका यहाँ तक कोई मिलने जुलने वाले का अपने मेरे तो आ रहे हैं आप अपने की बात करें और तेरे अनु कौन पूछता मैं तो अपने यार दोस्तों की गल कर तेरे तो वेले है सारे मेरे मिलने जुलने वाले यार दोस्तों अब यहाँ कोई रहा भी नहीं देखा गया सर आस्ते आस्ते मेरे को खास से शिफ्ट होते जा रहे हैं हमारे भी मेरे भी हमारे मेरे खुद के बहन भाई इतने माशाल्लाह होते थे यहाँ अब वो सब आस्ते आस्ते कोई कराची शिफ्ट हो गया कोई पटोला या हैदराबाद और यहाँ पे बेरली दो घर रह गए वो भी देखें कितने दिन तक मतलब बाजी का तो रहेगा बाजी का घर है लेकिन हो सकता है दूसरी बहन दार बच्चों की एजुकेशन के लिए वो हैदराबाद कराची शिफ्ट होने का सोचते रहते हैं क्यों हैदराबाद में एजुकेशन नहीं है नहीं है लेकिन सारे ज्यादा यहाँ का ये तुम्हारे सामने होनहार एजुकेटेड पता नहीं नहीं वो तो अगर आप है तो फिर दूसरों को भी हक है ना कि वो भी अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करे तो वो मीरपुर से हैदराबाद मीरपुर तो हैदराबाद चले गए तो बड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया उन्होंने या कराची चले गए तुम लोग मीरपुर हाल को कुछ समझते नहीं नहीं आप जैसे फिर भाग के कनाडा क्यों गए फिर आप क्यों भाग के कनाडा गए दादा ये वो है कि अपने लिए रूल कुछ और दूसरों के लिए कुछ और ये है जैसे ये है हमारी पॉलिसी कि अपने लिए रूल कुछ और दूसरों के लिए कुछ और
मुझे अभी ऐसे लगता है कोई ये बात एक मत आसा तू जी कही तेरे को ना तो मेरे को उर्दू की गल होंगी कोई नहीं याद है तुम्हें कल क्या कि जेडे फनी कमेंट लोग नैगेटिव कमेंट जेलिस कमेंट तुम सब नोट करके और एक टाइम पे उन्होंने उत्ते वीडियो बना तो फिर तो हर दूसरे बंद ने नैगेटिव कमेंट शुरू कर देना इस करके मैं ये इनकरेज नहीं किया और लेकिन मैं वो बात खैर अभी भूल गया फिर तू करके मुझे गले खिलाती है चले आप ये बताएं कि रमजान की तैयारियां जोरों शोर से जारी है आपके घर में हमारे हम यहाँ पे तो नहीं उस दफा मुझे अफसोस है कि मैं कनाडा से भी इतनी जल्दी आई कि वहाँ पे उनके लिए भी बेचारों के लिए कुछ नहीं बना के आई तो कुछ नहीं इतनी मार्केट से ले ले हाँ मार्केट से वो तो फिर लाखों कह रही थी आंटी फिक्र नहीं करें हम बना लेंगे दोनों कबाब समोसे रोल एरा वगैरह अच्छे भी नहीं है लेकिन ये होता है रमजान को ऐसा कर दिया तुम लोगों ने इसके बगैर रमजान होता ही नहीं ये खजूरे मार्केट में जाके पूछो क्या रेट हो गया पाकिस्तान में ऐसी हमारी कौम की मैं अभी कोई गाली करूँ यानी रमजान के आने से मैं कहा एडवांस में ले लो ये क्या नाम है क्या इसको बोलते खजूरों जो तुम उनको रेट आते आसमान को बहुत ही मरता रह जाए बंदा शुक्र मैं हम ले मैं जब ये बात करता हूँ मतलब मैं आम एक हिसाब ना गल करता हूँ लोगों का बेचारे का की हाल इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर हम खरीद सकते हैं तो एवरीथिंग फाइन है सब कुछ ठीक है मैं ये सही बात आम लोगों की बात करते हैं हाथ खींच लेता हूँ मैं खरीदता नहीं हूँ ये जब रेट सुनता हूँ तो सही बात आसानियाँ पैदा करे सबके लिए लेकिन कल मैं सायरा के घर थी तो वहाँ पे अगर आप लोग कोई मेरे को पास है मुझे पता है कि लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं मेरे को पास है तो उसने अपनी बच्ची के लिए केक बनवाया था कोई घर से बनाती हैं या बनाते हैं ये उनको भी नहीं पता कि बनाती हैं कि बनाते हैं इतना जबरदस्त केक इतना खूबसूरत जैसे जो भी आप फरमाइश करें आप जो भी कार्टून बच्चों के लिए बनाना हो या कोई इवेंट हो जैसे ईद आ रही है या फिर रमजान शरीफ आ रहे हैं वो और कोई भी आपने बनाना उनको आप बताएं वो बना के देते हैं और 3 pound का केक जो उन्होंने बनाया था ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है मैं उनको देखा भी नहीं 3 pound का केक उन्होंने डिलीवरी के साथ इतनी जबरदस्त पैकेजिंग और फ्रेश केक के साथ उन्होंने खाली 2100 का बनाया था और सवाल है कि अब फायदा क्या बताने का जब उनका एड्रेस या उनका नाम मैं करवाऊंगी ना मैं सोच रही हूँ रमजान में कुछ रखूंगी गैदरिंग वगैरह तो उसमें बनवाऊंगी तो फिर दे दूंगी अगर जाहिर मुझे पसंद आएगा तो मैं आपको दूंगी लेकिन सायरा कह रही थी कि अगर करो कुछ ऐसा तो फिर वहीं से बनवाना वो एक तो उनका हेल्प भी हो जाएगी नेबर्स हैं सिटी में है तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी और काम भी सस्ता हो जाएगा और चले नई चीज भी ट्राई हो जाएगी तो नेक्स्ट अगर कोई घर में छोटी मोटी दावत रखी तो फिर मैं उनसे ऑर्डर करूंगी ताकि मैं बड़ा इवेंट कोई आने वाला हो तो उसके लिए तैयारी अच्छा हाँ पहले तो चेक कर लो ना पर बनवा के उसमें हाँ पहले छोटा बनवा के चेक कर लो चलो फिर शुरू करो मैं पता नहीं की गल भूल गई तो तेरे ना गल भूल जाता तेने देखे फिर वो आजकल अच्छा शुगर है आप लोगों ने पसंद किया देखे आस पास आप लोगों को शायद अंदाजा हो गया जो रेगुलर देखने बहुत अच्छे फेस ने अपना गानों के ऊपर क्या वो लिप सिंगिंग कहलाती है क्या कहलाती है वो जो है वो इसने छोड़ दिया जब नया नया टिकटॉक आया था ना उस वक्त करती थी मैंने 3-4 साल पहले टिकटॉक जब शुरू उसके बाद फिर इसको एकदम ख्याल हुआ कि नहीं मेरे लिए और अब तो मैं हो सकता म्यूजिक फ्री हो जाऊं अल्लाह ने चाहा तो इसने छोड़ दिया तो अब मैं जब वो देखता हूँ कई चीजें मुझे वो इसके वो सॉन्ग और इसकी वो मैं तो मैंने आज वो 2-3 वीडियो तुमने देखी है लोगों ने बड़ी पसंद की उसको कि हालांकि मैं रीपोस्ट कर रहा हूं सारा कि मैं उसमें कुछ डांस वगैरह नहीं करती कुछ भी नहीं करती थी लेकिन आस्ते-आस्ते अल्लाह से हिदायत मांगी तो आई बस अल्लाह ने करे कि आज तू डांस कर लेकिन वो भी मुझे पसंद है मुझे अपने ही अब म्यूजिक पे वो की हुई वीडियो पसंद नहीं आती चलो ठीक है वो फिर मैंने ऐसी उसको भी पोस्ट किया मैंने कहा चलो एक फ्रेश हो जाए कभी अरे जैद को बहुत पसंद थी जैद हाँ। कहते रहे लेकिन मेरा दिल नहीं माना करने के लिए कौन सा तुम कि यार कोई नाच गाना करते हो बंदा जबान पे वो उसको मुझे तो आता नहीं गाना नहीं तो मैं तो खुद शुरू हो जाऊंगा रूफी की आवाज चला जा बस कर बस इतनी देर लाती तू